और अब बात करते हैं शहडोल की, जहां बुढ़ार जनपद का ग्राम पंचायत धनोरा जो कि हमेशा विवादों और सुर्खियों में बना रहता है। यहां के दबंग सचिव कभी स्टाफ डैम अपने पंचायत को छोड़ दूसरे जिले में बनाने लगते हैं, तो कभी पंचायत में होने वाले मोबिलाइजर की भर्ती अपनी रसूख के दम पर बिना शासन के गाइडलाइन का पालन किए बिना ही कर लेते हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या आरोप लगाए हैं उस व्यक्ति ने जो धनोरा ग्राम में मोबिलाइजर की भर्ती में सभी कैंडिडेटों से आगे था। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए शहडोल से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। दिनेश सिंह कंवर, क्या मामला है? पूरा मामला ये है सर, ये मोबिलाइजर का भर्ती हुआ है, यहाँ सचिव द्वारा भर्ती कर लिया गया है मनमानी तरीके से। कार्यवाही के दिन न किसी को बताया गया न कुछ किया गया। कल ग्राम सभा में पूछा गया कि कब भर्ती किए हैं आप, तो बोलते हैं 13 तारीख को भर्ती हुई है मोबिलाइजर की। और किस व्यक्ति को किया गया? शिवाकांत साहू को। आपके हिसाब से क्या गलत है और क्या सही है? उसका जो है तो ये आईटी को कंप्यूटर का अंक जो है फर्जी है। अच्छा, और मैंने जो लगाया है स्टेट बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का। कितने परसेंट आपके थे? मेरा 67.7। उनका कितना परसेंट? 61.96। आप तो रिजर्वेशन में भी आते हो ना? जी सर। फिर उनका कैसे भर्ती होगा, किस आधार पर भर्ती? अब ये सचिव की मनमानी से हुआ, कुछ पैसा रुपए ले देके और जिला कार्यालय से मेरा आईटीआई का कंप्यूटर का कोर्स कटवा दिया गया है और अपना यहाँ भर्ती कर लिया गया। और किसी को ग्राम पंचायत में किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है कि हमारा मोबिलाइजर भर्ती हो गया है। भर्ती की जानकारी आपको कब लगी? कल ग्राम सभा में पूछा गया तब बताया गया कि उसका भर्ती तो 13 तारीख को हो गया, जबकि मैं कल जन सुनवाई में गया था। एडीएम साहब के सभागार से मैं फोन भी करवाया सीओ साहब को। सीओ साहब अब पता नहीं सचिव महोदय को फोन किए हैं या नहीं। सचिव महोदय कल यहाँ नहीं थे। चयन की प्रक्रिया क्या सार्वजनिक रूप से हुई है? नहीं हुआ है। गुप्त तरीके से हुआ है? गुप्त तरीके से हुआ है। पंच सरपंच किसी को पता नहीं है। उस सरपंच से मैंने कल पूछा तो बोले कि हमको ये सब नहीं बताया गया है, कार्यवाही और वाही में हम कुछ दस्तखत नहीं किए हैं। उस दिन थोड़ा सा चर्चा किया गया था कि 15 अगस्त के दिन भर्ती किया जाएगा। आपके द्वारा कौन कौन से अर्हताएं की योग्यता लगाए गए थे, दस्तावेज लगाए गए थे? मेरे द्वारा 12वीं का अंक सूची लगाया गया था, स्नातक का लगाया गया था, आईटीआई कोपा कंप्यूटर है उसका लगाया गया था, कंप्यूटर और अतिथि शिक्षक का अनुभव 3 वर्ष का लगाया था गया था, जो कि बीओ कार्यालय से सर्टिफाइड है उसका भी 5 अंक कटवा दिया गया नौकरी, है। नौकरी के लिए क्या प्रावधान थे, क्या क्या चाहिए था उसके लिए? उसमें अनुभव का अंक मांगा गया था शासन द्वारा मान्यता संस्थान से, 3 वर्ष का अनुभव सर्टिफाइड होना चाहिए, काउंटर साइन। आप जिनकी भर्ती हुई है क्या उनके पास है ऐसे कुछ दस्तावेज हैं? उसके पास सिर्फ बीई का सर्टिफिकेट है, उसी में 2 अंक दिया गया है। बीई के सर्टिफिकेट से उसको कंप्यूटर का अंक भी दिया गया है और ग्रेजुएशन का अंक भी दिया गया। अनुभव नहीं है उनके पास क्या? अनुभव किसी तरह का नहीं है, वही ऑटोडेस्क का है। मैंने आरटीआई निकलवा के देखा तो उसका दस्तावेज में सिर्फ यही मिला मेरे को। मैं यही चाहता हूँ कि इसका निगरानी हो, जाँच हो, जाँच इसकी अच्छी तरह से हो। कौन से ग्राम पंचायत का मामला है ये? ग्राम पंचायत धनोरा। पंचायती राज अधिनियम में ग्राम विकास के लिए शासन की मंशा को पूर्ण करने के लिए गांव के ही एक नागरिक को प्रधान नियुक्त करने की प्रक्रिया भी की गई है, जो शिक्षित व योग्य हो, किंतु कुछ अधिनियमों में शिथिलता के कारण अब इस चयन प्रक्रिया में अशिक्षित और अयोग्यों को भी कुर्सी मिलने लगा है। ऐसा ही मामला जनपद बुढ़ार अंतर्गत धनोरा ग्राम पंचायत के सरपंच का है, जहाँ महिला सरपंच के हस्ताक्षरों से फर्जी नियुक्ति तो हो गई, किंतु महिला को यह ज्ञात नहीं कि नियुक्ति योग्य व्यक्ति की हुई है या अयोग्य। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला सरपंच पंचायत चलाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। आइए सुनाते हैं महिला सरपंच ने क्या कहा है। ग्राम पंचायत धनोरा की सुनीता 22 सरपंच। अच्छा, आप सरपंच हैं, इस बार चुनी गई हैं। आपके यहाँ जो भर्ती हुई है मोबिलाइजर नहीं मालूम। आप गांव के मुखिया हैं, ठीक है, और तो आपको यहां की जनता ने निर्वाचित किया है मतदान दे करके, और आप अगर भर्ती प्रक्रिया नहीं जानते हैं तो फिर ये कैसे भर्ती हो गया? नहीं मालूम सर, कैसे दस्तक आप गांव के प्रधान हैं, मुखिया हैं, मान लीजिए अगर भर्ती हो भी गई है, अगर गलत तरीके से भर्ती हुई है, ठीक है, तो आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? नहीं सर, हम क्या करेंगे? आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा अगर ये भर्ती गलत तरीके से हुई है? और भर्ती में नहीं है तो हम नहीं जानते सर। भाई दूसरा पक्ष भी तो है, दूसरे पक्ष का आरोप है कि जो भर्ती हुई है वो गलत तरीके से हुई है, तो आप गांव की सरपंच हैं, तो आपके हिसाब से अगर गलत या सही का निराकरण तो करना चाहिए, तो आप क्या करेंगी? आप सर का कार्य तो कि नहीं।